दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं 2025 के लव राशिफल के वीडियोस। तो आज बारी है सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष लव राशिफल 2025 आप अगर सिंगल हैं मेष राशि वालों तो आपके लिए कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप में हैं तो क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है ये आपको पता चलेगा। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या हो सकता है और किस प्रकार से आपकी मैरिड लाइफ वर्ष 2025 में रहने वाली है ये जानेंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कैसा रहेगा और बन जाता है तो क्या होगा ये सब कुछ जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपको बताएंगे तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से किसी भी एक राशि का पार्टनर आपका है तो आपके लिए पूरा साल लकी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें हमारा यह लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे आप नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। मेष राशि यानी एरीज साइन, आपको बता दें कि गोचर में जो ग्रह स्थितियां होती हैं उसी के आधार पर हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कोई भी महीना या वर्ष कैसा रहेगा। और ये वार्षिक लव राशिफल है तो इसमें हम मोटे मोटे तौर पर जो ग्रह परिवर्तन करते हैं, शनि परिवर्तन, राहु केतु परिवर्तन और गुरु परिवर्तन, इन चार ग्रहों को तो मुख्य रूप से लेते ही लेते हैं, लेकिन मंगल शुक्र इत्यादि जो ग्रह हैं वो आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी कुछ विशेष घटनाएं जो आपको हम डेट वाइज बताएंगे कि इस डेट में आपके साथ में ये होकर के ही रहेगा, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मुख्य रूप से ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं 2025 में उनके बारे में। 2025 में सबसे पहला परिवर्तन है 29 मार्च 2025 को शनिदेव का परिवर्तन। शनिदेव मीन राशि में जाएंगे आपकी राशि से द्वादश में। ये क्या करेंगे, 14 मई 2025 को मिथुन में गुरु जाएंगे, गुरु 18 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे 5 दिसंबर को मिथुन में। 20 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। 20 मई 2025 को राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे, प्रवेश करेंगे। ये मुख्य रूप से चार ग्रहों को तो हम विशेष रूप से आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अगर बाकी के ग्रहों की जो गणना हमने की है वो आपको गिनाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपको वो बातें मिल जाएं जो आपके काम की हैं, वही हम आपको बताते हैं कि सिंगल लव लाइफ, वन साइड लव, लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, सब कुछ बताएंगे। अब आपको जैसा कि पता है कि हमारा लव राशिफल सबसे सटीक होता है क्योंकि हम वो बातें बताते हैं जो आपके साथ होकर के ही रहेंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके साथ में क्या होकर रहेगा। देखिए, आपके लिए गुरु का गोचर बदलेगा और अगर किसी की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है तो सबसे ज्यादा जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। गुरु जो कि आपकी राशि से द्वितीय में गोचर कर रहे हैं, इनका परिवर्तन होगा, इनका परिवर्तन होगा, राहु का परिवर्तन होगा। इनका परिवर्तन पहला तो जो 14 मई को मिथुन में गुरु जा रहे हैं इससे एक बात दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती बनेगी किसी के साथ में। और पूरे साल में मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके लिए ये बहुत अच्छा योग है जहां आपकी किसी के साथ दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती बनेगी। लेकिन जब कर्क में गुरु चले जाएंगे यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, ये थोड़ा सा ऐसा टाइम रहेगा जहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आपको कोई ना कोई बेहतरीन व्यक्ति
इस बीच में जरूर मिलेगा। लेकिन भूल से भी आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में तो किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है या किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है। बाकी इससे पहले दोस्ती बनने के प्रबल चांस हैं, वन साइड लव में भी अच्छे चांस हैं, बहुत अच्छे योग हैं। और वन साइड लव में मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा खराब है, लेकिन मैं खराब है तो क्या हुआ मैं तो आपको बताऊंगा, कि आप जो वन साइड लव में आपका पार्टनर जो है, मतलब जिसको आप क्रश मानते हैं, जिसको आप पसंद करेंगे, वो आपको हाँ बोलेगा तो वो 18 अक्टूबर के बाद में 19 नवंबर के आसपास बोलेगा या नवंबर में बोलेगा। तो जो नवंबर में आपको हाँ बोलेगा वो आपके लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि वो आपका रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए आपको अगर उससे बहुत क्लियर बोल देना है, आपकी लाइफ में अभी कोई है या आगे कोई आ जाता है, कि अगर पसंद करना है या प्रपोज करना है या एक्सेप्ट करना है तो वो अक्टूबर से पहले कर लो, उसके बाद में नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ये आपके लिए खराब होगा। और जो व्यक्ति आपको बिल्कुल ऐसे दिखाएगा कि हाँ मैं आपका ही हूँ या अब मैं आपकी ही हूँ, वो आपको आगे चल करके धोखा दे सकता है। दिसंबर आते आते 2 महीने में रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। लेकिन वन साइड लव के लिए बाकी का समय बहुत अच्छा है, अक्टूबर नवंबर छोड़ करके। अगर अक्टूबर नवंबर में या खास करके नवंबर में अगर एक्सेप्ट किया आपके प्यार को, या आपने किसी को प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका रिश्ता दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 महीने भी ढंग से नहीं चलेगा और ऐसा रिश्ता कंफ्यूजन और डर की वजह से खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं उनकी जो लव रिलेशनशिप में है। 2024 में आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 2025 के राहु की वजह से तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए कुछ स्थितियां मई तक ठीक रहेंगी, लेकिन मई के बाद में अचानक से दिक्कत हो जाएगी। मई तक आप बहुत एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत सब कुछ अच्छा चलेगा, लव लाइफ बेहतरीन रहेगी मई तक। लेकिन जैसा कि शनि मार्च से परिवर्तन कर जाएंगे, तो शनि की वजह से थोड़ा थोड़ा चीजें होने लगेंगी, जिससे कि कुछ ज्यादा ही आपका पार्टनर आपके साथ जिद करने लगेगा हर चीज को लेकर के। और वो जिद, उसके खर्चे, ये सब चीजें आपको परेशान करेंगी। फिर मई के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे हैं। लास्ट तक दिसंबर तक, जून से लेकर के दिसंबर तक आप अपने पार्टनर को बार बार कहेंगे मुझे प्यार दो, पर वो प्यार नहीं देंगे। आप कहेंगे मेरी रिस्पेक्ट करो, उस रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप प्यार की भीख मांगते रह जाएंगे, लेकिन पार्टनर आपको प्यार नहीं देगा। और अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो अधिक संभावना है कि आपका 20 मई से 7 जून के बीच में तो बहुत बुरी स्थिति है, और 7 जून से 28 जुलाई के बीच में ब्रेकअप भी हो सकता है, या ब्रेकअप हो ही जाएगा मैं ये कह सकता हूं। फिर तो 28 जुलाई के बाद जो रिश्ता आपका चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यार की भीख से चलेगा। अब सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो कितना दयावान है और वो कितने दिन आप पर दया दिखा सकता है, इस चीज पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता कब तक चलेगा। लेकिन ये रिश्ता आपके लिए कष्टकारी रहेगा, दुखदाई रहेगा। नोट कर लीजिए मेरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, 20 मई से 7 जून के बीच में इतना बुरा हाल आपका हो जाएगा, इतना बुरा हाल कि आपने सोचा ना हो। इस तरीके से वो आपके साथ में व्यवहार करेगा आपका पार्टनर कि आप सोच भी नहीं सकते। और 7 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में आपको विशेष सावधान रहना है, विशेष सावधान रहना है, क्योंकि यहां पर फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बदनाम करे, कोई आपको फंसा दे, और उस वजह से आपके पार्टनर को लगे कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, और फिर जाकर के आपका ब्रेकअप हो जाए। तो बचे कुचे लोगों का ब्रेकअप ऐसे भी हो सकता है, इसलिए आपको विशेष सावधानी इस बीच में रखनी है।
दिसंबर में आपके लिए, खास करके लास्ट दिसंबर मतलब साल के अंत में, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ प्यार दिखाएंगे और कुछ उम्मीद आपके अंदर जगाएंगे, लेकिन वो भी एक लालच होगा और आपके साथ में कोई ना कोई उन्हें काम होगा, इस वजह से आपके पास में वापस आ जाएंगे अगर ब्रेकअप हो जाएगा तो। अब हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट में, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा? देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी बातचीत कई बार होगी और बार बार होगी। राहु की वजह से कंफ्यूज होगा आपका एक्स पार्टनर, इसलिए बार बार आपके पास वापस आएगा और आपके बिहेवियर से परेशान होकर के चला जाएगा। तो कई बार ऐसा देखा जाएगा जहां आपका ब्रेकअप पैचअप हो रहा है, विशेष रूप से जुलाई में, सितंबर में, इस बीच में कुछ ज्यादा ही बातचीत होगी। बाकी के महीने में लगभग बातचीत कुछ ही दिनों की होगी और उसके बाद में फिर ब्रेकअप, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगी। अगर यहां पर बहुत ही क्लियर मैं आपको बोलूं तो आपके लिए 2025 नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा तब होता जब आपके साथ में वो व्यक्ति बहुत सीरियस होकर के रहता, क्योंकि अधिक चांस और संभावना बन रही है कि वो व्यक्ति शादी किसी और से करना चाहता है, लेकिन फिर भी आपके पास बार बार आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे आपसे कुछ ना कुछ काम होगा और खास करके फिजिकल रिलेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोगों की स्थिति ऐसी रहेगी। अब हम बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए 2025 जो दिखा रहा है उसमें मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूं तो गुरु की वजह से आप लगभग मैरिड लाइफ में बचे रहेंगे। प्रॉब्लम आएंगी, झगड़े भी होंगे, हो सकता है कि जिनकी ज्यादा कुंडली की स्थिति खराब है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, लेकिन यकीन मानिए ये आपको बस एक झटका मात्र होगा, यानी कि आपके दिमाग में एक फटका लगेगा कि आपकी मैरिड लाइफ अब तो गई। लेकिन अगर आपने कुछ समय विशेष सावधानी बरत ली तो आपकी मैरिड लाइफ बच जाएगी। वैसे तो मैं ये आपको ये कह सकता हूं कि आपकी मैरिड लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके लिए जनवरी से लेकर के अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद में थोड़ा समय खराब रहेगा, अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में फिर अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा टाइम है जो मैंने नोट किया है, डेट के अनुसार अपनी गणना की है मैंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो समय ऐसा ही है और ऐसा होकर के ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बचना चाहिए, सावधानी ही बचाव है। अगर मेरा लव राशिफल आपने याद रखा उस समय तक तो आप बच जाएंगे। तो ये डेट नोट कर लीजिएगा कहीं भी अपने फोन में या अपने, या फिर इस वीडियो को हर महीने देखा कीजिएगा। ये डेट जहां आपको सबसे ज्यादा दिक्कत मैरिड लाइफ में होने वाली है, 20 मई से 7 जून जब आपको सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, जहां कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच सकता है। 7 जून से 28 जुलाई जहां आप बहुत बुरी तरह से पछताएंगे कि आपने क्या कर दिया, आप गलत निर्णय ले सकते हैं इस बीच में मैरिड लाइफ को लेकर के, गुस्से में आकर के। और 9 अक्टूबर से 7 नवंबर ये कुछ टाइम ऐसा रहेगा जहां पर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ किसी गलत संगत में पड़ जाएंगे या फंस जाएंगे, या फिर आप फंस जाएंगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चक्कर में आप आ जाएं, और उस वजह से आपका डाइवोर्स की ओर आप बढ़ जाएं, फिर डाइवोर्स ही होने लगे। तो ये जो कुछ समय है इस बीच में अगर सावधानी आप रखेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा डर और ओवर थिंकिंग से परेशान आप जरूर होंगे, और ये परेशानी आपको सबसे ज्यादा 7 जून से 28 जुलाई के बीच में होगी, जो सबसे ज्यादा आपको खाए जाएगी और आप अंदर से बहुत कमजोर और बहुत परेशान फील करेंगे। यहां पर आपको बचना है, वैसे मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। मैरिड लाइफ में आपकी विदेश यात्राएं बहुत अधिक होंगी इस 2025 में, और विदेश जाना हो पाएगा, एक दूसरे के साथ इंजॉय भी होगा। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए 2025 का जो समय है वो सबसे ज्यादा अच्छा है,
सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत लंबे चलेंगे, और अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में भी गए हैं, कहीं शादी भी करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, वो व्यक्ति एग्री होगा आपके साथ। आपके लिए बस थोड़ा सा समय खराब रहेगा, और ये समय भी आप नोट कर लीजिए, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर ये समय आपके लिए खराब रहेगा, लगभग बाकी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने बढ़ जाएंगे, हो सकता है अनगिनत अफेयर आपके हों, अनगिनत अफेयर दिसंबर में सबसे ज्यादा अफेयर आपके होने वाले, और दिसंबर सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरह का समय रहने वाला है 2025 का आपके लिए। 2025 को लेकर के और भी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है इस बार 2025 के बारे में। आपको राशिगत और भी बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली है 2025 के बारे में, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी जानकारी लेकर आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब बताते हैं आपको वो तीन राशियां, अगर उन तीन राशियों में से आप किसी भी राशि के पार्टनर के साथ में हैं, तो आपके लिए ये पूरा वर्ष सही रहेगा। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी राशि है तुला राशि, और तीसरी राशि है मकर राशि। इन राशियों के साथ हैं तो पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह लव राशि फल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बाकी हम आगे की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आपको एक बहुत ही क्लियर एक बात और बोल दें, ये पूरे वर्ष का लव राशि फल था, हम यहाँ पर दैनिक लव राशि फल भी देते हैं और मासिक लव राशि फल भी देते हैं, तो वो भी आप देखिएगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, इसमें विशेष रूप से आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि आप जब भी हमारा दैनिक लव राशि फल देखें, मासिक लव राशि फल तो विशेष रूप से जब भी देखें, तब एक बार ये वाली वीडियो दोबारा देखिएगा और उसको मैच करके देखिएगा। जब एक दूसरे की चीज़ें दोनों मैच करके आप जब चलेंगे, तो आपके साथ 100% आपके साथ सब कुछ एकदम करेक्ट होकर के ही रहेगा। दोस्तों, आप इस चीज़ को विशेष रूप से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वीडियो आपको साल में 12 बार देखनी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक से रिकमेंड जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।